सो दुनिया में फलसफा इस वक्त कैपिटलिस्टिक का दौर का, उस फलसफे के अंदर अल्फा मेल के कैसे चुना जाता है जो सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल। कैपिटलिज्म तो है ही रिसोर्स इकट्ठे करने का नाम। आप खुद सोचे ना, ये बिल गेट्स से पहले किसी बिलियनियर का नाम याद है हमें? अचानक के बिलियनियर सेलिब्रिटीज कैसे बनना शुरू हो गए? जेफ बेजोस ने पैसे बना लिए तो उसमें उसको सेलिब्रिटी हुड क्यों मिल रहा है? जॉन हैंकॉक क्यों नहीं सेलिब्रिटी था हमारे, जिसकी 121 बिल्डिंग है अमेरिका में, वो बहुत पुराना बिलियनियर। सो दीज अल्फा मेल्स आर डिक्लेयर्ड बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग द कैपिटलिस्टिक फिलोसफी वेरी वेल। सो जब हम उस अल्फा के पीछे लगते हैं ना, तो दो मसाइल होते हैं। एक, बचपन से अल्लाह रसूल की बातें सुनते रहते हैं, और जैसे ही स्कूल कॉलेज के बाद पता चलता है कि यार हमने तो बिल गेट्स बनना है, तो अंदर की वैल्यू और बाहर की वैल्यू से टकरा जाती है। इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं साइकोलॉजी में। दो अपोजिंग बिलीव्स एक ही दिमाग के अंदर आ जाए तो दिमाग अंदर से एक्सप्लोड करता है, और वह फिर खुदकुशियां होती हैं, और मुसलमान भी खुदकुशी करते हैं, और मुसलमानों के बच्चे भी खुदकुशी करते हैं, मुसलमानों के बच्चे जो स्टीव जॉब बिल गेट्स बनते हैं वो भी खुदकुशी करते हैं। क्यों? यूनिवर्सिटी में जी वो नंबर कम आ गए, यूनिवर्सिटी नंबर से कौन सी जन्नत दोजख लगी? कैपिटलिज्म में जन्नत दोजख ही लगती है, उससे नौकरी नहीं मिल सकती 1.5 साल से, इंजीनियर्स खुदकुशी कर रहे हैं। ये डिप्रेशन और ये होपलेसनेस है ना, ये होपलेसनेस कहाँ से आ रही है? वन फिलोसफी हैज टेकन ओवर द मोस्ट सुपीरियर फिलोसफी को हमने नीचे किया, अल्लाह की फिलोसफी, और उस पर कैपिटलिज्म की फिलोसफी आ गई। क्योंकि आनी ही थी कुर्रा अर्ज के ऊपर, एक वक्त में दो फिलोसफी आ नहीं सकती, अल्फा मेल एक ही होता है। अब चूंकि वो अल्फा मेल कैपिटलिज्म का कोई चीता होना ना, इसने कैपिटलिज्म में पीक किया, सो इसलिए हर इंसान कंफ्यूजन का। ये माशाल्लाह इतनी डीप बात शेख ने की है, ये रूट कॉज बताई है होपलेसनेस की रूट कॉज। ऑल्दो आई नो के आप लोग ये चाहेंगे कि हम मोर सिंपल टर्म्स में बताएं, लेकिन लेट मी जस्ट सिंपलीफाई इट फॉर यू। एंड ही वाज एक्चुअली क्वाइट सिंपल, आई अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग। के ही इज टेलिंग द रूट कॉज। रूट कॉज ये है कि इंसान जो मकसद उसका है, जो पर्पस है, वो करने आया है, और उसकी बजाय कुछ और कर रहा हो, देयर विल बी कॉग्निटिव डिसोनेंस, एक तसव्वुर, माइंड एक तसव्वुर का शिकार होगा। एंड व्हेन यू नो देयर इज अ क्लैश बिटवीन टू फिलोसफीज एंड टू कल्चर्स, ऑब्वियसली शेक एक टर्म मार्जिनल मैन भी, इफ आई यूज द राइट वर्ड, पर्सन हैंगिंग इन, या व्हाट नेम, वेल इट्स अ रियल टर्म बट इट डजंट फिट हियर। ना marginal man is not because of philosophical dissonance, it is because of psychological dissonance. वो किसी भी वजह से हो सकती है कि वो इधर भी होता है ठीक होता है, उधर भी ठीक होता है कभी। He is shifting towards this. Muslims are not shifting towards this and that. Muslims are not practicing the philosophy of Islam. क्योंकि जिसने एक दफा वो टेस्ट कर ली हो, वो उसको बस किसी और ही बीमारी ने पकड़ा होगा जो कैपिटलिज्म की तरफ दोबारा जाएगा। लेकिन एक चीज ना मैं आपको आसान करके बता दूं, अल्लाह ताला, मैंने आपसे कहा ना, हर जानवर ने अपना एक अल्फा डिक्लेयर करना होता है, इंसानों ने भी करना होता है। अबू हनीफा ने कहा था कि उम्मुल खबाइस इज अदमुल खिलाफा, कि अगर अपना अल्फा निकालोगे ना तो मुसलमान किसी और अल्फा के पीछे जाएंगे, इंसानों ने अल्फा पकड़ना ही पकड़ना होता। इसलिए हमारे साथ ये मसला हुआ, और एक और मसला ये हुआ कि बड़े मसले हुए हमारे साथ कि इमाम गजाली ने मैथमेटिक्स और साइंस पे फतवा लगा दिया, उन्होंने पीक पकड़ ली मैथमेटिक्स से, ठीक है, वरना गजाली अगर फतवा ना लगाते तो पीक हमारे पास ही थी, अल्फा फिर भी हमारे पास था, इस्लाम के थ्रू मैथमेटिक्स साइंस आ रही थी। अल्फा टर्म बार-बार यूज करें, ऑडियंस को थोड़ा, अल्फा मेल होता है जी, अच्छा, इंसान के दिमाग में एक खास केमिकल है, हर जानदार के दिमाग में एक खास केमिकल है। साइकोलॉजी में उस केमिकल को रेडार केमिकल कहते हैं, उस केमिकल का नाम है सेरोटोनिन। हर जानदार मतलब लॉबस्टर्स में भी होता है, छिपकलियों में भी होता है, यू नेम इट, एवरी लिविंग एनिमल किंगडम के अंदर ना सेरोटोनिन का सॉल्वेंट होता है। हर सबसे ज्यादा केमिकल हार्मोन हमारा सेरोटोनिन। वो करता क्या, उसका पीछे एक फंक्शन है, वो देखता है आपने स्टेटस को उस पर्पस के सबसे तेज बंदे से कंपेयर करता रहता है। सो इसीलिए आपने नोट किया होगा, जिस भी डिप्रेशन के मरीज को हम सेरोटोनिन की गोलियां देते हैं, क्योंकि डिप्रेशन होती ही रिलेटिव एक्विटी के कम होने से, यार वो ले गया, बस ही मैं रह गया, ये मुझे कुछ नहीं मिला, वो क्या हो रहा होता है? हाँ, कंपैरिजन में वो देखता है कि मैं उस हायरार्की में नीचे आ रहा हूँ, उसको डिप्रेशन शुरू होती है। अब वो हायरार्की किस चीज की होती है? हायरार्की होती है उसकी स्टेप पे हूं मैं, तो जो टॉप पे जो बंदा होता है उससे हम कंपेयर करते हैं।
फिर देखते हैं हमारे इलाके में, हम अपने आप को दिलास देते हैं कि मेरे तो घर वाले सारे ही, या मेरे इलाके से मेरे दोस्त यार सारे ही नाकारा है, तो डिप्रेशन नहीं होगी। ठीक है, जब तक आप पानी में डुबकी नहीं लगाएंगे कि मैं भी पैसे बनाऊं, और आप ना बना सकें, तब डिप्रेशन शुरू होगी। या आप एक बड़ी गाड़ी नहीं ले सके, या नौकरी नहीं मिली, या फिर खुशी नहीं मिल रही। ठीक है, सो द पॉइंट इज वो सेरोटोनिन सेट करता है कि किसको अल्फा मेल, अल्फा मेल सबसे ज्यादा पीक टॉप पे किसको बिठाना है। तो टॉप पे बिठाने के पीछे जो सक्सेस की डेफिनेशन होती है ना, कि जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो कहां जाता है, वो आता है फिलॉसफी ऑफ द प्लैनेट से। जो पूरे कुर्रे अर्थ के ऊपर पीक की फिलॉसफी चल रही है, जो सब फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है उससे सब रिलेट करते हैं अपने डिस्टेंस के, मैं कितना सक्सेसफुल। इसलिए हमें नोट किया होगा पाकिस्तान जिसको जिस हर फिलॉसफी में कोई ना कोई तो अल्फा होगा ना। ठीक है, तो अब अल्लाह हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, आपका अल्फा कौन है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो है सबसे ऊपर। क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, फलसफा तो कंप्लीट है हमारा, कि ये क्या देख रहे हो कि पैसे किसके पास हैं या किसके पास नहीं, ये देखो कि किसके पास तकवा है। कि इस पे अगर निकट्टा हबशी भी तुम्हें अगर अमीर लगा दे, तो ये तुमने नहीं देखना कि ये किसको अमीर लगा दे, हदीस है ना। ये देखो अगर अल्लाह से डरने वाला है, अल्लाह के रास्ते पर लेके जा रहा है, तो बस वही अल्फा है। ठीक है, सो द पॉइंट इज, और वो भी विषय का अल्फा ना हो, क्या पता नीचे कोई अल्फा हो जो अल्लाह से डर सबसे डरने वाला। एक क्वेश्चन मुझे, ऑल्दो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी आपने बात की कि चूंकि कैपिटलिज्म हावी हो गई है और डेफिनेशन ऑफ सक्सेस चेंज हो गया है, हमारी सोर्स चेंज हो गई, अल्फा चेंज हो गए, अल्फा एक ही होता है बस, अल्फा मतलब एक ही है, वो चेंज हो गया। अ पर्सन आस्क्ड मी एंड ही वाज यू कैन कॉल स्केप्टिक यू नो एंड ऑलमोस्ट एन एथियस्ट, ही सेड टू मी कि व्हाई विल अल्लाह अलाउ अल्फा टू बी चेंज्ड एंड व्हाई विल अल्लाह अलाउ कैपिटलिज्म टू यू नो बी द क्राइटेरिया, why do such things happen when Islam is the best, when Islam is the promised way of life, the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. लेकिन बात बहुत आसान सी, और ये मैथमेटिक्स की बात, आई डोंट नो व्हाई एथिस्ट डोंट गेट दिस बेसिक मैथमेटिक्स राइट। बड़ी आसान से हिसाब किताब है, मुजरमीन को अगर खुलेआम माफी मिल जाए, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है, ज्यादा बड़ा जुल्म है। मोमिनीन को डंडे पड़ रहे हो ना, ये इतना बड़ा जुल्म नहीं है। मुजरमीन को माफ कर दें तो ज्यादा बड़ा जुल्म है। ये अगर क्राइटेरिया जिसको समझ आ रहा था ना, क्योंकि उससे फिर खुली छूट मिल जाती है कि यार माफी मिलनी है तो गुनाह कर लो। जब अल्लाह ताला ने एक करीना दे दिया ना, और फिर नबी पे नबी भेजे उस करीने के लिए, क्या इस करीने पे टेस्ट होना है, फिर आयतों की आयतें दी कि जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलनी। ठीक है, सो ये बहुत ही बेसिक सी बात आ जाती है कि अल्लाह ताला ने फिर जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को रखना है, तो फिर वो जो लोग मर गए हैं पहले हालत पे, वो पूछेंगे कि अल्लाह हमें भी पकड़ लेते फिर आप। टेस्ट सब के लिए एक है। सो अल्लाह ताला अगर जबरदस्तियां करते हैं, तो अल्लाह ताला ने खुद आयत दी है कि ये क्या लोग चाहते हैं कि फरिश्तों के पर लगा के बादलों पे आके बैठ जाए। अल्लाह ताला कुरान पाक की आयत का तर्जुमा सुना रहा हूँ, और क्या चाहते हैं, ये मैंने नहीं करना क्योंकि तुम्हारा टेस्ट गैब के ऊपर। और ये हर मुसलमान को पता होना चाहिए, स्पेशली इन द विंड ऑफ एथिज्म बड़ी तेजी से चल रही है, कि सबसे बड़ी खूबसूरती इस्लाम की ये है कि इस्लाम गैब का ऊपर बिलीवर है। तो जैसे ही आप गैब के लफ्ज के ऊपर आते हैं ना, तो आप सिर्फ साइंस की बात करेंगे, आप एविडेंस की बात नहीं करेंगे अल्लाह के लिए, वरना एविडेंस ही देख लिया तो फिर गैब कहां से रह गया। सो जब भी एथिज्म से बहस हो रही होगी, मैं हैरान होता हूँ कि वो लोग फैक्ट फाइंडिंग की बात करते हैं। आप गैब के बिलीवर्स हैं, या तो आप फिर फैक्ट के बिलीवर हो जाए, और जिसने अल्लाह को देख लिया उसके अंदर किसी भी किस्म के सवाब के एलिमेंट की वैल्यू खत्म होगी। जब उसने अल्लाह को देख लिया, तो फिर तो सवाब का क्या करना है। गैब की बेस पे सवाब की वैल्यू क्रिएट करने का सिस्टम है इस्लाम, कि तुझे बगैर देखे बिलीव करके सवाब करने कि ये होगा। अब वो अलग बात है, हमारी निशानी हमारे अंदर इतनी है कि वो पता चल जाता है, हल्का सा भी सोचोगे पता चल जाएगा। तो अल्लाह ताला बाबा कह रहे हैं सोचते क्यों नहीं हो, अकल क्यों नहीं करते, गौर करो, इधर देखो उधर देखो, निशानियों पे निशानियां मिल रही हैं, मगर लड़ाई करने चलते हैं फैक्ट फाइंडर से कि हमें अल्लाह का फैक्ट दिखाओ। हम इसके अलावा सारे तुम्हें फैक्ट दिखाएंगे जो कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स अल्लाह ताला है, मगर अगर तुमने अल्लाह ताला को देखना है तो आप खुद जाके देख लो, हमने तो जैसे ही देखा हम काफिर हो जाएंगे भाई। शेख कैन वी से के एथिज्म की बहुत बड़ी वजह होपलेसनेस? नहीं नहीं, एथिज्म की बिल्कुल साइकोलॉजिकल वजह होपलेसनेस नहीं है, एथिज्म की वजह पर्पसलेसनेस।
कुछ लोग अगर मायूस होके एथियस्ट हो जाएं कहीं जी के मायूस होके वो फिर होप की तरफ कैसे जा रहा है? होप तो इधर मिलती है ना, एथिज्म में तो होप ही नहीं है, मर गए तो अगर कबूतर की तरह पड़े। होपलेसनेस यानी मायूसी, एक बंदा मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिकली कोई हादसा हो जाता है, लेट्स से एंड ही कांट डाइजेस्ट इट। हाँ वो होपलेस नहीं है, गुस्सा है। ओके हाँ ना, होपलेस होता है कि कुछ भी नहीं होगा मरने के बाद। सही ठीक है, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं होप में, होप में ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर तो बंगड़ा डालें आप। तो आपको डिप्रेशन की बात है, जो मर्जी करें, खुली दुनिया है आपके पास। एथिज्म में और इस्लाम में फर्क ये है कि मुसलमान कहते हैं कि सबसे ज्यादा दोजख में मुसलमान जाएंगे। तो मैंने ये सोचें, ये वाहिद दीन है जो कहता है कि बेटा दोजख तुम्हारा। और इसलिए मुसलमान को ना हमेशा ये डर लग रहता है कि मैंने ज्यादा काम करने हैं, मुझे अल्लाह ताला के रहम की भी उम्मीद है मगर अपने गुनाह का भी डर है। ये दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं। अब एथिज्म पता ही कहता है कि अल्लाह तो है ही नहीं, तो फिर इतने से सवाल पूछे मुझसे तो फिर क्यों करूं मैं कुछ? Why should I do anything good in the planet? जब कुछ होना ही नहीं है बाद में। ये होपलेसनेस की पीक है। तो होपलेस लोग अगर एथिज्म में जा रहे हैं तो ये इसकी साइकोलॉजिकल सेंस समझ नहीं आती कि तुम और ज्यादा होपलेस। हाँ ना, होप ही पर्पस से तो होप आती है ना। ठीक है, सो इफ आई फाइस है कि सर कल से आपने दुनिया में कोई काम नहीं करना, तो आप होपलेसनेस की अथाह गहराइयों में चले जाएंगे, क्या कुछ भी नहीं करना तो फायदा क्या? बिल्कुल।